हर हर गंगे नमामि गंगे। देखिए किस तरह की घटनाएं जो है गंगा जी में हो रही है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा भाई, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अभी हम आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि गंगा जी में देखिए श्रद्धालु किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। चलिए तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। आज फिर हम हर की पौड़ी से आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। देखेंगे आप तो घाट पर कुछ ज़्यादा श्रद्धालु आपको जो है गंगा जी में डुबकी लगाते हुए नहीं मिलेंगे। देखें यहाँ पर ये भाई साहब किस तरीके से देखिए बैठे हुए हैं, और उधर आप देखेंगे तो एक दो महिला श्रद्धालु हैं जो नहा रही है। धूप की बात करूँ तो धूप बहुत ज़बरदस्त निकली है, लेकिन हरिद्वार में ठंड जो है वो रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। और आप देखेंगे तो कुछ श्रद्धालु जो घाट पर हैं तो गंगा जी में डुबकी नहीं लगा रहे हैं, वो घाट पर जो है धूप का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु हर की पौड़ी घाट पर जो है धूप का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये महिला श्रद्धालु किस तरीके से जो है गंगा जी में देखिए डुबकी लगा रही हैं। गंगा जी के जल की बात करें तो जल एकदम पारदर्शी हो चुका है, जैसे हमने आपको बताया था एकदम साफ और स्वच्छ जल हो चुका है। माँ गंगा जी की धारा भी जो है वो बहुत ज़्यादा पहले से तेज़ हो गई, जल बहाव जो है देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर देखिए ये बुजुर्ग श्रद्धालु हैं, देखिए किस तरीके से देखिए गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए हम आपसे बार बार कहते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है गंगा जी में डुबकी लगाइए, गंगा जी में बिल्कुल भी मजाक ना करें। चलिए अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो देखिए अब हम ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी घाट पर हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया इस घाट पर जो है बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल अगर अभी आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास श्रद्धालु आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर नए साल की भी बात करें तो नए साल पर भी हर की पौड़ी घाट पर कुछ ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी। हम आपको कई दिनों से वीडियो नहीं दिखा पा रहे थे हर की पौड़ी घाट का, दोस्तों मैं कहीं बाहर गया हुआ था जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, पर अब आपको जो है फिर दोबारा हरिद्वार हर की पौड़ी घाट के सभी लाइव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी आप जो है ब्रह्मकुंड घाट का दृश्य देख रहे हैं, इधर भी आप देखेंगे तो ज़्यादा श्रद्धालुओं की उतनी भीड़ नहीं है। देखिए श्रद्धालु बैठे तो हैं, लेकिन देखिए इस वाले घाट पर अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर दो तीन श्रद्धालु, देखिए ये सही तरीका है, देखिए जंजीर पकड़कर देखिए गंगा जी में डुबकी लगाइए, बिल्कुल भी ज़्यादा अंदर तक जाने की कोशिश और प्रयास बिल्कुल ना करिए। देखिए यहाँ पर भी देखिए कुछ श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। क्या हुआ था, अभी जब गंगा जी की सफाई चल रही थी तब काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं को गंगा जी की, जैसे कि काफ़ी लोगों को गहराई नहीं पता थी कितनी गहराई है गंगा जी की, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी वीडियोस जैसे हमने भी दिखाया कई चैनलों के माध्यम से आपने देखा, तो उसमें जो है अब श्रद्धालुओं को ये लगता है कि गंगा जी की जो है गहराई ज़्यादा नहीं है तो हम बीच तक जा सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि गंगा जी का बहाव अब फिर दोबारा तेज़ हो चुका है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। इसलिए जंजीर लगी है, जंजीर पकड़कर जो है गंगा जी में और ग्रिल के उस पार जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जैसे कि हमने आपको बताया श्रद्धालु बहुत बड़ी बड़ी गलतियां गंगा जी में कर देते हैं, और हम आपको कई वीडियो के माध्यम से जो है समझाते हुए भी आए हैं, और हम बार बार श्रद्धालुओं से समझाते हैं कि देखिए इस तरह की जो गलती है बिल्कुल भी ना करें। क्या होता है कि एक तो आप गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हो, खुद को पवित्र कर रहे हो, और एक तरफ आप माँ गंगा जी को जो है गंदा कर कर चले जाते हो। तो देखिए इस तरीके की गलती ना करें, जो भी कूड़ा जो भी प्लास्टिक की पन्नी है तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अपने घर से कोई चद्दर बैग झोला आप खुद लेकर आएँ, और घाट पर जो है पन्नियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उसको किसी कूड़ेदान में सही जगह डालें। आप देखेंगे तो इधर सामने आप देख सकते हैं धनुष पुल हमारे उधर दिखाई दे रहा है, सामने बिरला टावर देखिए आप। चलिए अब आपको नाई घाट लेके चलते हैं, देखिए नाई घाट का दृश्य, और जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर श्रद्धालुओं की आपको भीड़ जरूर मिलेगी, यहाँ पर श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी भी लगाते हैं, और यहाँ पर जैसा आपको पता है पूजा पाठ क्रियाक्रम का कार्यक्रम भी जो है नाई घाट पर किया जाता है। देखिए इसी घाट पर मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु गलती करते हैं, काफ़ी बार तो उन चीज़ों को मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया हूँ। ये देखिए किसी के गंदे कपड़े हैं, और देखिए किस तरीके से देखिए गंगा जी में खुलेआम फेंका जाता है, पूरी पब्लिक है, पूरे श्रद्धालु हैं, हर कोई देख रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है, और अपने सारे गंदे कपड़े भी इसी तरीके से जो है गंगा जी में फेंक दिए जाते हैं।
तो देखिए, हम आपको बार बार वीडियो के माध्यम से अपने समझाते हुए आए कि इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें। फिलहाल अभी गंगा जी की आप सभी को पता है सफाई हुई है, सफाई अभियान चलाया गया था जिससे गंगा जी की गंदगी को साफ़ किया गया था, लेकिन आप फिर दोबारा श्रद्धालु वही गलती कर रहे हैं। अपने गंदे कपड़े, जो भी आप प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं उनको गंगा जी में आप इस तरीके से फेंक देते हैं। तो देखिए, इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें। और ये देखिए, अभी हम सुभाष घाट पर हैं। जल देखिए आप, कितना ज़्यादा जल जो है बिल्कुल पारदर्शी हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो गंदा घाट था वो सुभाष घाट ही था, जिसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगा। तो देखिए, अभी फ़िलहाल क्या है, श्रद्धालु बहुत कम आ रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, ऑफ सीज़न चल रहा है, तो श्रद्धालु बहुत कम आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए, अभी उतनी घाटों पर गंदगी तो नहीं हो रही है, लेकिन जब श्रद्धालु फिर दोबारा ज़्यादा आएंगे तो मेरी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनती है कि गंगा जी के सभी घाटों को जो है साफ़ और स्वच्छ बनाए रखने में आप लोग अपना पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, सामने से हम आपको ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, महिला श्रद्धालु गंगा जी में देखिए डुबकी लगा रहे हैं। और सामने का आप दृश्य देखेंगे तो देखिए, पूरा पुल हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जिस तरह गंगा जी का जल पारदर्शी हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, फूल और माला अगर हम देखिए किस तरह गंगा जी के ऊपर से तैरते हुए जा रही है, और एकदम साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है जो भी सामान गंगा जी में देखिए नीचे की तरफ है। तो देखिए, इसी तरीके से मान मर्यादा गंगा जी की बनाए रखिए। देखिए यहाँ पर किस तरह के, देखिए डुबकी लगाने में श्रद्धालु जो है घबरा रहे हैं। डुबकी नहीं लगा रहा कोई भी, या तो मग्गे से या तो छोटी बाल्टी ले रखी है, उस बाल्टी से जो है श्रद्धालु गंगा जी में जो है डुबकी लगा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपको हाथी वाला पुल देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए, श्रद्धालु जैसे कि हमने बताया, घाट पर धूप लेने के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। फिलहाल अगर हरिद्वार में रुकने की बात करें तो बहुत ही सस्ते रेट पर आप अभी फ़िलहाल रुक सकते हैं। ऑफ सीज़न है, बढ़िया से बढ़िया होटल, 3-स्टार होटल भी आपको 500-400 रुपये में बढ़िया रूम दे देंगे, क्योंकि इस समय उनके पास काम नहीं है। तो रेलवे स्टेशन के पास या भरकी पौड़ी घाट के पास अगर आप होटल लेना चाहते हैं, धर्मशाला लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। बहुत ही सस्ते में अभी आप फ़िलहाल हरिद्वार और ऋषिकेश आप घूम सकते हैं। और धूप भी देखिए ठीक ठाक निकल रही है, तेज़ धूप है। तो देखिए, फिलहाल अभी हम हाथी वाले पुल पे आ चुके हैं, जहाँ पर होटल गंगा लहरी। देखिए हाथी वाले पुल का हम आपको दृश्य दिखाते हैं। तो बहाव देखिए कितना तेज है, देखिए माँ गंगा जी का बहाव, जल बहाव देखिए कितना तेज है। फिर दोबारा जैसे कि मैंने आपको बताया था, जल बहाव उतना ही तेज कर दिया गया है। तो बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। हर हर गंगे, नमामि गंगे, कोई भी जानकारी चाहिए आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।